माइटोकॉन्ट्रिया इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एज वी हैव सीन इन द डायग्राम बेसिकली माइटोकट्री इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर है वो दोनों में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में इसकी साइज होती है जीरो पॉइंट फाइव टू वन माइक्रोमीटर इन द डाया मीटर एंड इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉम्प्राइज करती है बेसिकली ऑफ द स्ट्रक्चर नोन एज पोरिंस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली पोरिंस जो होते हैं वो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और मेम्ब्रेन देखा उसके अंदर जिसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और उसी इनर मेम्ब्रेन में हमने देखा जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं मीट्रिक्स अब आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्बरेन दोनों बने होते हैं प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड लेयर से और ये जो दो मेम्ब्रेन है हमारे पास उसको जो सेपरेट करता है जो स्पेस हम उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो स्पेस है जो आउटर और इनर को सेपरेट करती है वो वाली स्पेस अब बात करते हैं क्रिस्टे की जो हमने डायग्राम में देखा था क्रिस्टे बेसिकली होते क्या है दे आर लाइक प्रोटीन और बेसिकली क्रिस्टे जो होते हैं उनमें प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है अपार्ट फ्रॉम दैट ए भी बनते हैं ए टी पी इज एडीनोसाइन मैं इसीलिए हर बार इसका फुल फॉर्म बोल रही हूँ ताकि ये एग्जाम में आता है और आपको हर बार ये याद रहे अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनर मेमब्रेन होता है इट इज़ स्ट्रिक्टली परमिएबल टू तो ऑक्सीजन एंड ए टी पी मॉलिक्यूल्स और, और नॉट जस्ट ए टी पी इनमें ए डी पी भी होते हैं जो परमिएबल होते हैं ए डी पी मतलब एडीनोसाइन डाइफॉसफेट तो so बेसिकली ये जो क्रिस्टे हैं जो हमारे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनमें एटीपी बनते हैं और ये स्ट्रिक्टली uh, परमिएबल करते हैं किससे ऑक्सीजन और एटीपी मॉलिक्यूल मतलब सिर्फ ऑक्सीजन और एटीपी और एडीपी ये तीन ही चीज अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव माइक्रोकॉन्ड्रियल मेट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मैंने पहले भी बोला था एक फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर है और इस फ्लूड में एंजाइम है प्रोटीन है और इसमें राइबोसोम्स होते हैं इनऑर्गेनिक आय इनऑर्गेनिक आयंस मतलब जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम वो वाले फिर इसमें डीएनए होता है दैट इज डाई न्यूक्लिक एसिड फिर इसमें होती है न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम दिस